नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम 2023, जो आगामी वर्ष है उसकी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के बारे में। इसमें दृष्टि आईएएस ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी आज करने वाले हैं। वैसे तो इसका मैसेज व्हाट्सएप पे आ चुका है हम लोगों को, लेकिन आप लोग को कोई दुविधा हो रही है इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आपको किस प्रकार इस फॉर्म को फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या है क्या है। अगर आप दृष्टि आईएएस के संस्थान के विद्यार्थी हैं तो आप इस चीज़ के बारे में जान ही रहे होंगे कि कैसे क्या करना है। फिर भी हम इस पर एक डिटेल जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले इस ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम का जो माध्यम है वह हिंदी माध्यम है, ठीक है। विकास सर ने एक वीडियो में मई जून में एक सेमिनार लिए थे, उसमें बताए थे कि हम बहुत जल्दी ही जो है एक मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं 2023 के लिए, क्योंकि जो 2022 के लिए जो हुई थी वह बहुत देर से हुई थी, इसके कारण कुछ उतना एफिशिएंट नहीं हो पाया था। मेंस का तो एफिशिएंट रहा था लेकिन प्रीलिम्स का उतना नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत नज़दीक हो गया था प्रीलिम्स तब उन्होंने शुरू किया था। लेकिन इस बार जो है दोनों को इंटीग्रेटेड करके, जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए दोनों को एक साथ करके उन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किए। तो उन्होंने जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों इंस्टीट्यूट हैं उनके पास, तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी उनके लिए ये जो प्रोग्राम है वो निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। और उन्होंने जो इंग्लिश मीडियम में रखा उनके उनके लिए जो है फी पेमेंट करना पड़ता है उसके लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, लेकिन हिंदी में इन्होंने इस चीज़ों को फ्री रखा। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी कैसे क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि हिंदी माध्यम के लिए है, जो मुखर्जी नगर दृष्टि आईएएस का जो मेन संस्थान है वहाँ पे केवल हिंदी माध्यम का ही चलती है, ठीक है। इसकी जो विधिवत शुरुआत है, जो लाइब्रेरी जो सुविधाएं दी जाएगी, जो इसके अंतर्गत दृष्टि आईएएस जो सुविधा देती है वो 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी इसी साल से, 2022, अंडरस्टूड है कि इसी साल से होगा, ठीक है। और इसका जो प्रवेश परीक्षा है 9 तारीख को लिया जाएगा, 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को इसका टेस्ट होगा एक दृष्टि आईएएस में। दृष्टि आईएएस का संस्थान है वर्धमान मॉल में, वर्धमान प्लाजा में, वहीं पे इसका एक टेस्ट होगा। और जो अभ्यर्थी इसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे उसको दृष्टि आईएएस सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। परीक्षा का स्थान आपको वर्धमान प्लाजा ही होगा, वर्धमान प्लाजा ही होगा जहाँ पे क्लासेस चलती है, वहीं पे टेस्ट होना। और बात करें सुविधा की, तो सबसे पहले इन्होंने में एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, उन्होंने मार्गदर्शन के लिए मेंटरशिप रखे हुए, मेंटर्स रखे हुए मार्गदर्शन के लिए जो है, मेंटर्स मेंटर को रखे हुए जो बहुत ही कारगर होते हैं। तो कोई भी डाउट होता है तो उनसे आप जाके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर कैसे करना है, किसी भी तरह की समस्याएं होती है एग्जाम से रिलेटेड तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। और सेकेंडरी है, सबसे जो बच्चों का जो ध्यान होता है वो लाइब्रेरी होती है। इनकी जो लाइब्रेरी है बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया गया है, इसके लाइब्रेरी सुविधा, लाइब्रेरी सुविधा। आगे हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी सुविधा कैसे दी जाएगी। एग्जाम को जो है लाइब्रेरी सुविधा जो है उसको 3 शिफ्टों में डिवाइड कर रखे हैं उन्होंने, आई थिंक 8-8 घंटों की 3 शिफ्ट उन्होंने बना रखा है। उनको हम कैपेसिटी की बात करेंगे कि क्या है आगे, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि इसके साथ साथ जो है उन्होंने इंक्लूड किया है कि जो आवश्यक नोट्स होंगे, जो नोट्स हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे ये जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो जो बच्चे वहाँ पे जो फिजिकली जाके वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे जो मेंटरशिप से मिलेंगे, उनको जो पाठ सामग्री वो हार्ड कॉपी के अंतर्गत दिया जाएगा। आई थिंक इस साल जो हार्ड कॉपी में दिया जाएगा, पिछले साल तो सारी चीज़ पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराई गई थी। इसके साथ साथ ही डेली प्रैक्टिस सीरीज होती है,
डेली टेस्ट होती है वहाँ पे ऐप के माध्यम से, जिसका जिसका एनालिसिस जो एनालिटिक्स के माध्यम से होता है, जिसका एनालिसिस एनालिटिक्स के ऐप के माध्यम की ऐप के माध्यम से ही होता है। और तीसरा है, कोई भी डाउट है तो आप मेंटर से मिल सकते हैं, डाउट होने पे आप मेंटर से मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और पात्रता की बात करें तो कोई सरकारी जॉब तो है नहीं, तो जो विद्यार्थी दृष्टि में एडमिशन ले चुके हैं किसी भी रूप में, दृष्टि आईएएस के संस्थान के विद्यार्थी हैं, दृष्टि आईएएस संस्थान के विद्यार्थी होने मात्र से ही आप इसके पात्रता होंगे, चाहे वो जीएस के हों या फिर ऑप्शन के हों या फिर सीसेट के हों या फिर जो भी, अगर किसी कोर्स से आप जुड़े हैं या फिर ऑनलाइन ऑनलाइन केवल ऑनलाइन का है तो उससे भी आप इसमें पात्रता है, आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इसका फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी ऑप्शनल का हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही पात्रता का इतना ही है कि आप दृष्टि आईएएस संस्थान का विद्यार्थी होना चाहिए, बस इतना, इसमें इतना चीज़ को रखना। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन पर इसमें जो दुविधाएं आती है बच्चों को उसके बारे में देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना, ठीक है। तो हम सीधे इसको ऑनलाइन देखेंगे कि आप, वैसे तो मैसेज जिसको डायरेक्ट लिंक आ गया होगा वो तो डायरेक्ट सर्च करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिस अभ्यर्थी को, जिस विद्यार्थी को ये नहीं गया होगा, मैसेज नहीं गया होगा, उनके लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं गूगल पे, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है। जैसे आप जाएंगे सर्च करेंगे, जैसे हम एक बार सर्च कर चुके हैं तो डायरेक्ट आप सर्च करेंगे दृष्टि आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम 2023, ठीक है, सर्च करें तो आपको फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टच करेंगे आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए हम आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे भरना है। देखिए आपका नाम है, जैसे अपना भरते हैं, ठीक है, देखते रहें आप इसको, जैसे हम भर रहे हैं आप उस तरह फिलअप कर सकते हैं, जैसे देखिए ठीक है, नाम डाल दिए, नंबर डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, नंबर भी ऐड हो गए। आप परीक्षा स्लॉट, परीक्षा जो 3 स्लॉट में होने वाली है, तो आपको जिसमें से सुटेबल होगा टाइम आप उस टाइम में जाके एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि मेरा तो 9 बजे से रहेगा तो मैं 9 बजे सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। आप जैसे आप कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से हैं, तो आप इसमें से आप जिस कैटेगरी से हैं आप उस स्लॉट को चुनना होगा, जैसे कि हम चुन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जन्मतिथि, जन्मतिथि आपका जो है आप अपने अनुसार आप फिल कर लेंगे, जैसे अपना 37, ठीक है। अब इसे परीक्षा का माध्यम आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, आप हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर लेंगे, और मुखर्जी नगर तो आपका सेंटर रहेगा। यहाँ लिख रखे आप 2023 किसी भी सेवा प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, आपको यहाँ पे हाँ करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं केवल उस विद्यार्थी के लिए हैं जो अगले अगले साल एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हाँ करेंगे तो आपको आगे की सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक है। आप अपीयर हो रहे थे, हाँ ठीक है, आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कि आप दृष्टि के छात्र हैं, ये पूछा नहीं है तो आपको अर्हत तो होंगे ही नहीं, आप इसके लिए योग्य ही नहीं है। जब हाँ करेंगे तो आपको डिटेल्स मांगेगा, आप इस डिटेल्स को फिल करना होगा। देखते हैं आपका पाठ्यक्रम का नाम क्या है, तो आप जिस भी पाठ्यक्रम से, आप जी एस है सी सेट है, तो मेरा तो जी एस ऑप्शनल कुछ भी है, जी एस ऑप्शनल सी सेट सब कुछ है, तो हम नॉर्मली जी एस सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑप्शनल है तो आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सी सेट है तो सी सेट सेलेक्ट कीजिए। आप नेक्स्ट है आपके बैच का आईडी, आप नेक्स्ट है आपके बैच या आईडी कार्ड, हाँ इस समय यहाँ पे आपके बैच का आईडी, योर बैच प्रोग्राम आईडी, आप आईडी नंबर यहाँ मांग रहे हैं, तो आप आईडी नंबर आप अपने देख सकते हैं क्या है, वो आईडी आपको फिल करना होगा। आप भी साथ साथ यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है,
जो आप आईडी नंबर डाल देंगे तो बैच कौन से होने के वर्ष आपको पूछेगा, आपका बैच जो शुरू हुआ था किस वर्ष हुआ था, तब उस वर्ष को नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि अपन ये सब सारी चीज़ जो आपके आईडी कार्ड पे दिया हुआ वहाँ से आप फिल करना है। पूछ रहा है कृपया अपना दृष्टि आईडी कार्ड का अपलोड करें, आपको फोटो खींच के अपलोड करना है जैसे हमने पहले से कर रखा है। देखिए गूगल में जाना है, दृष्टि आईडी कार्ड डालना है, तो आईडी कार्ड दृष्टि का ये हो गया, दृष्टि का आईडी कार्ड सेलेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है कृपया अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, देखिए पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, तो एक रंगीन फोटो हो गया। अब कृपया अपना गवर्नमेंट पहचान पत्र अपलोड करें, एक कोई पहचान पत्र आधार कार्ड हो जो जो भी हो उसको अपलोड करना है यहाँ पे, देख ये सब चीज़ हो गए। नियम शर्तें सब यहाँ पे के मैंने सभी नियम और शर्तों को ध्यान में पढ़ लिया और मैं उनका पालन करूँगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, हर एक नियम और शर्तें आपको प्रोस्पेक्टस टाइप में जो उसमें वहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और आपको लास्ट में क्या करना है सबमिट कर देना। और हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल अभी हम दिल्ली में नहीं है, तो हम 9 तारीख तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो हम टेस्ट दे नहीं पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बन रहा इस फॉर्म फिलअप करने का। तो आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के पश्चात आपका डन हो जाएगा, और उसके पश्चात जो है आप यहाँ पे जो है टच करने के बाद जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और आप इस एडमिट कार्ड को और आधार कार्ड को और अपना सही जो पासपोर्ट साइज फोटो है, तो जब आपका एग्जाम होगा तो उसके साथ आप ले जाएंगे एग्जाम हॉल पे, ठीक है, तब आपकी वहाँ पे टेस्ट होगी वहाँ पे, ठीक है। तो हम फिर चलते हैं अपने विषय वस्तु पे, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, पता चल गया कैसे करना है, हमने पूरा नहीं किया है, फिर भी हम ये नहीं चाहते कि बेवजह फॉर्म फिलअप करें, सही चीज़ें नहीं है, क्योंकि तो हम जब वहाँ पे होंगे नहीं तो हमें हमारे हमारे फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं, हमारी वजह से एक सीट वहाँ पे दृष्टि संस्थान को अरेंज करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम फॉर्म फिलअप नहीं करें, और हम नहीं जाएंगे तो सोचनी पड़ेगी, हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे वजह से वहाँ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे से कई विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं नहीं देने जाते, इससे जो कंडक्ट एग्जाम करती है उसको बहुत सारे दुविधाएं उत्पन्न होती है, कि अगर 50 विद्यार्थी वहाँ फॉर्म फिलअप किए हैं तो वो 50 विद्यार्थी के अनुसार ही लॉजिस्टिक सुविधाएं वहाँ पे मुहैया कराई जाती है, अगर आप 25 ही पहुँचते तो 25 का वेस्ट चला जाता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप फॉर्म वहाँ पहुँच सकते एग्जाम देने के लिए तो तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कौन कैसा होगा, मतलब जो टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा, इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 2 पार्ट में है, एक तो जीएस वाली सेक्शन है, एक जीएस वाली सेक्शन है और एक सी सेट वाली सेक्शन है, ठीक है। जीएस का जो पार्ट है, इस पिछले साल तो कुछ डिसाइड नहीं था कितना क्या क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इस बार जो है दृष्टि आयस ने पहले से जो है अपना क्रिटेरिया तय कर दिया है कि हमें कितना क्या पूछना है। इस बार उन्होंने सी सेट का वेटेज ज़्यादा दिया, उन्होंने बताया कि इस बार जो सी सेट में हम 60 प्रश्न लेंगे, 60 प्रश्न, और जीएस में 40 प्रश्न लेंगे, ठीक है। और परीक्षा जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिलेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, ट्रांसलेट वगैरह सब में दोनों में देखने। 100 क्वेश्चन होंगे, आप पता चलेगा 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे और सी सेट के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। यूपीएससी के पैटर्न के अनुसार ही जो निगेटिव मार्किंग होगी, कुल मार्क्स उसी यूपीएससी के पैटर्न पे ही होंगे, ठीक है। देखिए सी सेट का तो सिलेबस जो है यूपीएससी ने दे रखा वही होगा, लेकिन उन्होंने जीएस पार्ट को भी 2 पार्टों में बांट रखा है। जीएस का जो 2 पार्ट में बांट रखा है मैं उसको एक बार एलिबरेट कर देता हूँ, जिससे कि जीएस इन्होंने 2 पार्ट बांट रखा है, एक है 40 क्वेश्चन है ना जीएस का, इन्होंने 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन का 2 पार्ट बांट रखा है। इन्होंने बताया कि 20 क्वेश्चन जो होगा हमारा करेंट अफेयर्स होगा, और जो हमारा ये 20 क्वेश्चन है वो स्टेटिक पार्ट से होगा, ठीक है। स्टेटिक पार्ट का मतलब ये होगा कि आधुनिक भारत 20, आप ये फोकस जो किए उनका बता रहा हूँ मैं, कि आप हिस्ट्री नहीं लिखी है उन्होंने, उन्होंने लिखा है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आपको इस बात पे ध्यान रखना, मॉडर्न इंडिया। ज्योग्राफी लिखा है,
ज्योग्राफी लिखा, फिर इंडियन इकोनॉमी लिखे हैं, इंडियन इकोनॉमी, तत्पश्चात जो है इन्होंने इंडियन पॉलिटी लिखे हैं। ठीक है, इसे फोकस करना है कि आपको मॉडर्न इंडिया का रिवीजन करके जाना है, ज्योग्राफी का, इंडियन इकोनॉमी का और इंडियन पॉलिटी का, इतने चीज़ का करना। और सीसेट में उन्होंने बताया है कि सीसेट में जो है 2022 का, जो 2022 का जो है, जो मई का है, जून का है, जुलाई का है और अगस्त का है, ये 4 मंथ का जो है वो करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन जो है इस 4 मंथ के करंट अफेयर से रहने वाला। ठीक है, आपको समझ में पूरी चीज़ आ गई। अब शुल्क कितना है, तो शुल्क कुछ भी नहीं है, निःशुल्क है बिल्कुल, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। सबसे बड़ी पॉइंट है कि ये सारी चीज़ें कि आपको इस चीज़ पर फोकस करना, अगर आपको इसमें सेलेक्ट होना है तो आपको मॉडर्न इंडिया पे रिविजन करके जाना है, ज्योग्राफी पे, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी पे, साथ ही 4 मंथ का करंट अफेयर, मई, जून, जुलाई और अगस्त का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कुल स्थान कितना है, तो हम स्थान के बारे में बात करते हैं। दृष्टि के पास जो है अभी जो है लाइब्रेरी में जो सीटें हैं वो टोटल 1100 सीटें हैं, 1100 सीटें हैं, सॉरी 1100 सीटें हैं। ठीक है, तो उन्होंने इनको तीन तीन फेजेज में बांट रखे हैं कि अगर उन्होंने बताया कि 1100 सीटें तो 8 8 आवर का, 8 8 घंटे के तीन फेज बांट रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका है कि कुल स्थान इस, अब इसमें 1100 बच्चे जाएंगे, इसमें 1100 बच्चे जाएंगे, इसमें, तो मतलब टोटल जो है मतलब टोटल कैपेसिटी इनके पास हुआ 3300 का। तो उनका इस वर्ष का टारगेट है कि हम 3300 बच्चों को सेलेक्ट करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दृष्टि संस्थान जो पिछले बार जो है मात्र 600 विद्यार्थी को सेलेक्ट किया था, सीट तो उनके पास 900 या 1000 था पिछले साल, लेकिन उन्हें मात्र 600 विद्यार्थी सेलेक्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि एफिशिएंट विद्यार्थी हमारे पास नहीं पहुंच पाए, जो उनका पैमाना था मेरिट लिस्ट का उसमें बच्चे पहुंच ही नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने केवल वही उसी बच्चे को सेलेक्ट किए जो ठीक ठाक थे पढ़ने में। तो आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि वो 3300 सीट को भरें, वो नहीं भी भर सकते हैं, उनको लगेगा कि नहीं कटअप बहुत नीचे जा रहा है, बच्चे अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने क्या करेंगे कि कम सीट से भी काम चलाएंगे, जरूरी नहीं कि सबको ले लेंगे वो। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं नहीं कि आपको समझ में आएंगे, बस यूं ही लगा कि चलो बनाना चाहिए, जो बच्चे होते हैं नए बच्चे उनको पता ही नहीं चलता है क्या है, कुछ ये समझ में आ जाएगी। बहुत बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते, कितना चीज़ों को पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट आपको पता होना, एक आधार कार्ड साथ में रखना है, आधार कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है वो लगेगा, और तीसरा आपका आईडी कार्ड दृष्टि या संस्थान का है वो आपको साथ में रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुई चीज़ों को आप लोग के पास में रखना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ करने का मेरा पर्पस अलग है, कि हमने शुरुआत की कि हम जो है इस पर किस तरह आदत डालें, किस तरह हमें आगे कुछ क्लासेस भी लेनी है, तो हम थोड़ा आदत डाल रहे हैं इस चीज़ को करने का, कि इस तरह से बोलने का, लिखने का, समझने का, समझाने का, तो इसी शुरुआत कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से, ताकि हम आगे सीखें चीज़ों को कैसे बताना है किसी टॉपिक को, तो किस तरह बताना। चलिए ठीक है, इसी तरह हम पढ़ाई लिखाई का वीडियो भी लाते रहेंगे, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। वैसे इस चैनल पे जब मैंने शुरुआत की थी तो मात्र एक सब्सक्राइबर था, आई नहीं, दोस्त लोगों ने मोटिवेट किया कि यार कुछ करो इस पे, आगे बढ़ाओ, ग्रो करो चैनल को, तो उन्हीं लोग के सपोर्ट से लगा कि हाँ करना चाहिए, पढ़ाई भी साथ में हो रही है, चीज़ें भी हो रही साथ में, तो टाइम मिलता है तो कुछ कुछ बना लेते हैं, कुछ डाल देते हैं इस तरह से। तो दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया, तो मैं कई दिन सोच रहा था जब दृष्टि अनाउंस करेगा तो मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो वो दिन आ ही गया कि चलो मैं बना ही देता हूँ। एक मैं वीडियो भी विकास सर का डाला हूँ, उसमें बता रहे हैं कि क्या, मैं शुरू में बताया था कि आप लोग को कि विकास सर बता रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों में हम फिर से एक नई तरीके से जो मेंटरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं, इसमें नया तरीका आपको क्या दिख रहा है, पता चला आपको कुछ? पिछले साल जो मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया था सेपरेट किया गया था, मतलब एक प्रीलिम्स के अलग और मेंस के अलग किया गया था, लेकिन इस साल जो किया जा रहा है प्री,
प्लस मेंस एक साथ किया जा रहा। आप जो प्रोस्पेक्टस को पढ़िए, मैंने लगभग सारे चीज़ों को यहाँ पे रख दिया। प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि हम किस तरह से पेपर को डिजाइन किया गया उसमें, ठीक है। और आप लोग जो हैं अब जैसे चयन प्रक्रिया, ये आपको बताना हम भूल ही गए, यही होता है कि लोगों को सीखना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। आप लोग से बात करने के दरमियान मैंने देखा कि जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया। आप लोग को ये खास ध्यान रखना, जो मेन पॉइंट था वो बताया ही नहीं। देखिए मेन पॉइंट ये है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है आपको 5 अक्टूबर की रात 11:59 तक जो है आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद लिंक नहीं मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने का। और सबसे बड़ी बात कि आपको फॉर्म फिल करने के साथ ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, एग्जाम में बैठने का परमिशन मिल जाता है। तो आप तो फॉर्म भरने के साथ एडमिट कार्ड ही मिल जाएगा। तो आप जो 9 तारीख एग्जाम होगा, जो शिफ्ट आप चुनेंगे उसमें जाकर आप टेस्ट देंगे। तो 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और परीक्षा जो 3 शिफ्ट में होंगे, आपको बताई दी कौन कौन शिफ्ट में होगी। तो शिफ्ट आपको 3 शिफ्ट में, जैसे कि सुबह 9 से 11, 9 से 11 और 1 से 3 और 5 से 7। आप जिस टाइम में सुटेबल हैं आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। और अधिक से अधिक लोग जुड़िए इसमें। दृष्टि आईएएस की हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत बड़ी पहल है ये, तो जुड़ना चाहिए इससे। रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा है। मेंस में भी, मेंस में तो बहुत ही अच्छा आया, पीटी के अपेक्षा मेंस में बहुत अच्छा आया। पीटी में मैं कई मित्र थे जो मेंटरशिप में थे, तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया पीटी में, फिर मेंस लिखे वो। देखिए मैंने जब प्रीलिम्स दिया, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ऐसा, मैं वो नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँ। मैं जब पिछले साल मैं दिल्ली में ही था, अभी कुछ जो हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं घर पे अभी ठहरा हूँ। पिछले साल मैं जब निर्विहार में था, मुखर्जी नगर में था, तो मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम देने का मौका मिला था। तो मेरा 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, एक 11 बजे और एक शाम में 3 से 5 था। मैं शाम वाले में था। दोनों का पेपर अलग अलग था, दोनों का कटअप भी थोड़ा अलग अलग गया था। और मेरा दो दो नंबर से नहीं हुआ था। हाँ, जबकि शाम वाला कटअप जो है, सुबह कटअप कम गया था, शाम का ज़्यादा गया था। कटअप 61 गया था और मेरा आई थिंक 58 या 59 था। तो बहुत दुख होता भाई, जब मैं काफ़ी झोंक के सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करके गया था, लेकिन मिस्टेक हो गई कुछ चीज़ें, मेरा खुद खुद का उसमें गलती थी, जिसकी वजह से 2 3 4 5 आसान आसान क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। आप लोग जो है गलत नहीं करना है, बिल्कुल होश हवासों में टेस्ट दीजिए वहाँ पे जाके। और हर एक सवाल को कोशिश कीजिए कि ढंग से इस सवाल अगर जो सवाल आ भी रहा हो ना, जो कह रहे यार ये तो हूबहू मिल गए यार, तो क्लास टॉपिक से ही मिल गए, तो हर बार आना नहीं वहाँ पे। वहाँ पे जो बारीकी से चीज़ों को करना, ऐसा नहीं कि आसान सवाल आ गया तो तेजी से कर दी। पता चलेगा कि जब आपका रिजल्ट आया तो वही सवाल गलत है जिसको आप तेजी से करके निकले थे, जो आपके लिए आसान था। उसी को हर एक सवाल को वैल्यू देना है। हर एक सवाल को, एक होता है ना 20 सेकेंड 30 सेकेंड, हर एक सवाल को उतना ढंग से पढ़ना, हर एक सवाल को ढंग से करना। ऐसा नहीं कि आसान सवाल है तेज करके निकल, नहीं, आसान सवाल ने आपको फंसा सकता है। वही मेरे साथ भी हुआ था कि 3 4 5 6 सवाल ऐसा था जो बिल्कुल पढ़ा हुआ था, लगा ये तो सही है, ऐसे मार के निकल गए। लेकिन पता चला कि एग्जाम हॉल में ना जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं सवाल को, कि आपको लगेगा जो हम पेपर में पढ़े हैं, जो हम इन प्रीवियस ईयर पढ़े हैं, जो बुकलेट पर वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा ट्विस्ट होता है, लेकिन आप वहाँ फंस जाते हैं। अरे यार यही पढ़े थे, लगा दी। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल रिवीजन करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अच्छा सा शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। आप लोग अगर कहेंगे तो फिर से, मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट लग रहा है ये वाली सेक्शन, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाली है, रजिस्ट्रेशन वाली, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत बच्चे को दुविधा यहीं पर होती है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, वहाँ पे सोल्यूशन उसकी हो जाएगा। और आप लोग फोकस कीजिए इस चीज़ों पे रिवीजन करने का, इस चीज़ों पे रिवीजन करने का, जो इसमें सिलेबस दिया गया उसको रिवीजन करके जाइए। एटलीस्ट मतलब आपको एंट्री लेना है तो इतना तो रिवीजन करनी पड़ेगी, इतनी सारी सुविधाएं दिया जा रहा है तो इतनी मेहनत तो बनती है। चलिए ठीक है, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।